कदम बढ़ाएं, शिक्षा को हर घर पहुंचाएं। सब्सक्राइब करें नरुका ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाएं। प्रदीप सिंह नरुका और नरुका ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आइए मेरे दोस्तों, स्वागत है आपकी इस अपनी क्लास का। और आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, आज के इस वीडियो में हम दी माउथ केविटी पढ़ेंगे, यानी कि जो अपना जो मुंह होता है उसके अंदर केविटी के अंदर आती है एक अपनी टंग। क्या आती है? टंग। टंग यानी अपन कहते हैं हिंदी में जीभ, जो अपनी जीभ होती है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे विथ डायग्राम। फिर हम समझेंगे कि कैसे क्या टेस्ट आता है, क्या प्रोसेस होती है, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो देखिए ये क्या है, दिस इज अपनी जीभ, यानी कि दिस इज ए टंग। ये वाली जो अपनी ये जो जीभ होती है यही होती है। अब आपने कभी सोचा है कि अपनी जीभ नहीं होती तो हम किसी चीज़ को टेस्ट ही नहीं कर पाते। अपन कड़वी चीज़ खा लेते या फिर खट्टी चीज़ खा लेते, कुछ भी खा लेते, पता ही नहीं चलता ये कौन सा टेस्ट इसका आता है। और यही चीज़ नहीं कि टेस्ट ही नहीं आता है, क्या होता है, जीभ, जीभ क्या करती है, जीभ को ऐसा माना जाता है कि जीभ अगर मतलब जल जाए, जैसे अपन कुछ गर्म पी लेते हैं जल्दी से तो जीभ क्या हो जाए, जल जाती है। ओके, तो जीभ आपने देखा होगा सिर्फ 24 घंटों के अंदर अंदर जो जीभ है फिर से अपनी तरह से आ जाती है। ओके, जीभ को माना जाता है कि जो जीभ होती है ये अपने आप को जब मतलब इसके जब भी चोट लगती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर चाय हमने गरम गरम जल्दी पी ली तो जो जीभ है वो जल जाती है, तो वो 24 घंटे के अंदर फटाफट से हो जाती है। और अपने शरीर के फटाफट से जो WBC जो काम करती है वो किसके अंदर करती है, टंग, फटाफट से, क्योंकि टंग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है अपनी। और आपने कभी सोचा है कि ये अपनी टंग नहीं होती तो टेस्ट तो नहीं आता, बट जो भी शब्द हैं वो हम नहीं बोल पाते, जैसे कि ढ ढ, अब देखना मेरी जीभ को देखना, ढ ढ में क्या होता है, ढ में जो जीभ है वो अपर जो यानी कि जो ऊपर का जो होता है उससे अटैच होती है। देखिए ढ, तो कभी कभी जो भी शब्द है वो भी टंग से बोले जाते हैं। ओके, लिप्स से भी बोले जाते हैं, और क्या देखिए लिप्स है पे पे, तो दोनों लिप्स अटैच हो रहे हैं, तो पे, ओके, बे, ओके, प, ब, भ, म, तो उसमें हमारे लिप्स आते हैं। ओके, तो ये तो ही अगर जीभ नहीं होती है। अब बात करते हैं कि जीभ के अंदर टेस्ट कौन कैसा आता है, मतलब कहाँ कहाँ पर कौन सा टेस्ट आता है, क्या आपको पता है? आप सोचते होंगे कि कभी हमें कुछ भी चीज़ मीठी लगती है तो ऐसे लग जाती है, मतलब इसके अंदर ही होंगे कुछ, जी नहीं, अलग अलग है। ओके, तो देखिए ये जीभ है। अब जीभ को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। ओके, एक है बिटर यानी कि कड़वा, एक है सोर यानी कि खट्टा, एक है साल्टी यानी कि लवणीय, बताऊंगा क्या होता है, स्वीट यानी कि मीठा, 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। ओके, और पता होना चाहिए कि जो भी हम खाना खाते हैं जो भी, वो क्या होता है, जीभ क्या करती है, इसके अंदर जो स्लेवरा मतलब स्लेवा होता है यानी कि जो इनके अंदर लार होती है वो क्या करती है, खाने को पकड़ लेती है। फिर जो एंजाइम है वो माउथ के अंदर ही, आपको पता होना चाहिए कि जो भी हम रोटी खाते हैं, मान लीजिए उसका टुकड़ा हमने खाया तो मुँह के अंदर ही वो आधा डाइजेस्ट हो जाती है। ओके, तो उसका काम भी कौन करती है, अपनी टंग करती है। ओके, तो टंग के अंदर देखिए 4 चीज़ें होती है, क्या होती है, एक स्वीट, मीठा, साल्टी, लवणीय, सोर यानी कि खट्टा, और बीटर यानी कि कड़वा। अभी कभी आपने सोचा है कि जब भी हम चाय पीते हैं तब उसे हम देखिए गरम गरम होती है, तो शुरू में तो हम थोड़ा सा लेके हम पी लेते हैं क्योंकि हमें पता है वो मीठी है, हमें शुरू शुरू में ही पता चल जाती है, हम थोड़ा सा लेते हैं उसे गरम, मतलब गरम गरम होती तो थोड़ी सी पीते हैं तो शुरू शुरू में हमें स्वीट यानी कि मीठा लग जाता है। ओके, और यही चीज़ अपन ऐसा करें कि कोई भी खट्टी चीज़ है, जैसे कोई नींबू है, अब उस नींबू को आप कभी ऐसा करना, उस नींबू को आप आगे आगे जो जीभ का जो आगे आगे का जो भाग है यानी कि बिल्कुल आगे आगे का जो भाग है उस पर लगा के देना, तो आपको उसका टेस्ट ही नहीं आएगा कि यह खट्टा भी है या नहीं, यानी कि वो खट्टा ही नहीं ऐसा टेस्ट आएगा। बट उसको आप थोड़ा सा अंदर लोगे
तब टेस्ट आएगा। ऐसा क्यों होता है बता दो, क्योंकि चार भागों में डिवाइड होती है, बिटर, कड़वा। अब कोई भी, जैसे यहाँ पे मीठा है, तो मीठा अगर कोई भी है, जैसे कि हम मिठाई खा रहे हैं, दूध के अंदर शक्कर है तो उसको पी रहे, तो मीठी जो भी चीज़ है वो हमारे फर्स्ट पार्ट में ही पता चल जाती है। ओके, अब ऐसा नहीं कि स्वीट का तो हमने पता चल गया, लेकिन जो भी कड़वी चीज़ है उसको लगा के देख लो तो नहीं आता। कभी ट्राई करना आप, तो नहीं आएगा कि वो कड़वी है या फिर लवणीय है। बताऊंगा लवणीय क्या होता है, ये खट्टी है, नहीं आएगा शुरू शुरू में, बस मीठा ही आएगा। और अगर मान लीजिए आपने क्या लिया, कोई भी नमकीन लिए, ओके, नमकीन को आपने शुरू शुरू में अड़ाया, यानी कि फर्स्ट पार्ट में आपने जो टच किया किसके, टंग के, जीभ के, तो जब टच करोगे तब उसका स्वाद नहीं आएगा कि जो नमकीन है वो तेज़ है, उसके अंदर मिर्ची ज़्यादा है, उसके अंदर नमक भी है, वो मीठी तो होगी नहीं। ओके, क्या होता है वो कड़ी कड़ी है या नहीं है, तो आपको शुरू शुरू में पता नहीं चलेगा, यानी कि जब अटैच होगी फर्स्ट पार्ट में तब पता नहीं चलेगा। फिर सेकेंड पार्ट होता है अपने साल्ट, यानी कि लवणीय। लवणीय क्या होता है, यानी कि जो लवण होता है, मतलब कि जो साल्ट है था उसके जैसा स्वाद। अब जब नमकीन थोड़ी सी अंदर जाएगी, जब जीभ के सेकंड पार्ट पर जाएगी, तब आपको पता चलेगा कि जो नमकीन है उसके अंदर साल्ट यानी कि नमक है, लवणीय है। फिर जैसे वो और अंदर जाएगी, तब अगर वो खट्टी होगी, कोई भी चीज़ खट्टी है उसके अंदर, तब आपको पता चलेगा कि वो खट्टी है। कब खट्टी है, शुरू शुरू में पता, मतलब जब अटैच होगी फर्स्ट पार्ट में तब पता नहीं चलेगा। ओके, फिर लास्ट में आपने देखा, यहाँ पर देखिए, आप इस डायग्राम को देखिए, ये क्या है, यहाँ पर ये स्लेवरी ग्रंथ्स अपनी, यानी कि लार ग्रंथियाँ हैं। अब स्लाइवा, ओके, स्लाइवा यानी कि लार, इस चीज़ को नोट करना, स्लाइवा यानी कि लार और स्लेवरी ग्रंथ्स यानी कि लार ग्रंथियाँ। क्या होती है लार ग्रंथियाँ, क्या है अपनी, ये लार ग्रंथियाँ हैं। ओके, डाइजेस्ट करती है अपने मुँह के अंदर ही, आधा डाइजेस्ट कौन कर देता है, अपना माउथ, और उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है स्लेवरी ग्रंथ्स। और टंग क्या करती है, टंग जिनमें से सबसे पहले जो ज़्यादा काम करती है वो स्लेवरी ग्रंथ्स यानी कि लार, जो भी जो स्लेवरी ग्रंथ्स होती है वो क्या करती है, यानी कि जो लार ग्रंथियाँ होती है, बहुत सारी जो लार होती है अपने शरीर में, है ना, जो भी लेती है ना, उसको क्या कर ली, जगह स्टोर कर लेती है, क्योंकि उन्हें ज़रूरत पड़ेगी ना जब भी हम खाना खाएंगे, तो फिर क्या करते, जैसे निवाला अपने अंदर आया तो उस पर अटैच हो जाएगी, यानी कि उसको ट्रैक कर लेगी, पकड़ लेगी उसको। पकड़ने के बाद जो एंजाइम है वो क्या करने लग जाएंगे, उसको धीरे धीरे डाइजेस्ट करने लग जाएंगे। ओके, एंजाइम क्या हो जाते हैं, हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऐसे प्रोटीन घटक जो जैविक क्रियाओं को संपन्न करते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। तो वो एंजाइम धीरे धीरे डाइजेस्ट करने लग जाएंगे, फिर जो हमारी जीभ है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, फिर जो निवाला है उसको, जो स्लेवरी ग्रंथ्स यहाँ पर रहती, फिर जैसे ही जो अपना जो निवाला आया तो पकड़ लेती, ट्रैक कर लेती यहाँ पर, फिर अपने अंदर चली जाती है ओइसोफेगस के अंदर। ओके, फिर मैं आपको बताऊँगा क्या 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 होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, तो फिर ये जो टंग होती है, ये क्या होती है, टंग होती है, यहाँ पर स्वीट मीठा स्वाद आता है, फिर यहाँ पर सल्ट यानी लवणीय नमक जैसा स्वाद आता है, फिर यहाँ पर सौर यानी कि खट्टा स्वाद आता है, यहाँ पर बिटर यानी कि कड़वा। कभी करना कड़वी चीज़ को यहाँ पर शुरू में लगा के देखा, फर्स्ट पार्ट में नहीं आएगा, सेकेंड पार्ट में थोड़ा सा अंदर। अभी जो सौर है वो होता है मीडियम साल्टी, थोड़ा सा मीडियम से थोड़ा सा नीचे, और स्वीट फर्स्ट पार्ट, और बिटर इज़ दी लास्ट पार्ट। ओके, अब बिटर में छोटे छोटे होल्स होते हैं, क्या होते हैं, होल्स होते हैं, क्या होते हैं, आपने कभी अंदर डाल के देखना, कभी छोटे छोटे होल्स होंगे, यहाँ पर नहीं होंगे, यहाँ पर नहीं होंगे, बट यहाँ पर छोटे छोटे होल्स होते हैं कड़वे पे। ओके, तो चलो ये चीज़ समझ में आई क्या होता है। अब कुछ हम डाइजेशन की बात कर लेते हैं, टंकी यानी कि जो अपने माउथ की जो कैविटी में जो रोल प्ले करती है जो टंग, उसके बारे में हम डाइजेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, हमने अभी इसके बारे में तो डिस्कस कर लिया, डाइजेशन के बारे में डिस्कस करा, तो स्लेवरी ग्रंथ्स किधर स्टोर, मतलब किधर होती है, हमने जो टंग होती है उसकी इधर ही, मतलब फिर जैसे ही हमारा निवाला आया। अब आपको एक चीज़ पता है, जब भी आपने देखा होगा कोई भी अपना निवाला, यानी कि हमने गेहूँ की रोटी खाई, तो उसको जब हम अंदर लेंगे तब आपको कभी ऐसा लगेगा कि ब्रेड जैसा स्वाद आ रहा है, यानी कि वो थोड़ी थोड़ी सी मीठी होती है। क्यों होती है,
इसको समझना। देखिए जैसा कि यहाँ पर कोई भी निवाला हमने अंदर लिया, फिर सलाइवरी ग्लैंड उसको ट्रैक कर लेगी, फिर एंजाइम उसको डाइजेस्ट करेंगे, ओके, यानी कि उसको पाचन करेंगे, उसका पाचन करेंगे। आधा पाचन तो हमारा माउथ के अंदर ही हो जाता है। अब ऐसा नहीं कि हमने माउथ के अंदर लिया, जो स्टमक है, स्टोमच नहीं, स्टमक यानी कि पेट, अब पेट नहीं बोलते उसको, आमाशय, जो आमाशय है उसके अंदर ही होता है जी, नहीं, आधा जो डाइजेशन है, जो मतलब कह सकते हैं कि 40% डाइजेशन हमारा माउथ के अंदर ही हो जाता है, ओके, क्योंकि जो सलाइवरी ग्रेंड्स होती है, जो लार ग्रंथियां होती है, वो वहीं पर उस निवाले को ट्रैक कर लेती है, फिर एंजाइम अपना जो डाइजेशन करने लग जाते हैं, ओके। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो रोटी है जो अपन खाते हैं उसके अंदर मीठा मीठा स्वाद आता है, अब ऐसा नहीं कि सब्जी के साथ खाएं तब नहीं, अब उसको कभी कोरी खा के देखना आप, तो उसके अंदर क्या आएगा, मीठा मीठा थोड़ा स्वाद आएगा ब्रेड की जैसे। क्यों आता है, क्योंकि जो सलाइवरी ग्लैंड जब एंजाइम पे क्या होते हैं, आप कह सकते हैं कि जब वो डाइजेस्ट करते हैं एंजाइम, तब जो क्या होते हैं, जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, मतलब वो जो अपने जो उसके जो कण हैं, जो गेहूँ के जो कण हैं, उसको क्या कर लेती, सोल्यूबर इन शुगर, यानी कि उसको सोल्यूबल करने लग जाती है, उसको मिलाने लग जाती है शुगर में, फिर अपन को थोड़ा थोड़ा मीठा करता है, अब शुगर इन स्टार्च, वो स्टार्च, अब स्टार्च तो आपने सुना ही है ना, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट मिनरल्स विटामिन्स तो वही है, तो यहाँ पर फिर वो होता है डाइजेस्ट होने के बाद, फिर कहाँ चला जाता है, हमारे ईसोफेगस के अंदर से, कहाँ पे, हमारे स्टमक यानी कि आमाशय के अंदर जाता है, फिर आलम, तो ईसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्टमक है, इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कि जो भी अगली वीडियो होगी उसमें डिस्कस करेंगे विथ डायग्राम, ओके, बता देता हूँ, उसको पूरा देखना, उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा ऐसे ऐसे फैक्ट बताऊँगा अपने डाइजेशन के अंदर जो आपको कभी नहीं बताऊँगे, ओके, और आपको पता होना चाहिए जो ईसोफेगस जो होता है उसके अंदर क्या होता है, अपने पूरे शरीर के अंदर जो हम कहते हैं ऐसा लचीला पदार्थ जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, जो ऐसा लचीला पदार्थ होता है जो हमारी नाक से निकलता है, ओके, अब इस चीज़ को समझना क्या होता है, ओके, बता देता हूँ, तो वो क्या होता है, पूरे शरीर पे लगा हुआ होता है, पूरे शरीर पे, यानी कि ईसोफेगस के मतलब इसलिए लगा हुआ होता है वो न्यूक्लियस, अब उसे हम कहते हैं हमारी सिंपल भाषा में शेडा, क्या कहते हैं, शेडा, ओके, तो वही जो न्यूक्लियस है वो पूरे शरीर पे लगा हुआ होता है ताकि वो चिकचिन मतलब चपचपा कर सकते हो उसे, चपचपा, ओके, अभी आपने कभी देखा होगा कहीं पे एक्सपेरिमेंट होते हैं तो वहाँ पर जो हमारे ऑर्गन्स वो चिपचिप बहुत होते हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है उनके अंदर होता है, ओके, जो अपनी नाक से निकलता है, अब जब सर्दी लगती है तब नाक से निकलता है, वो सोचना क्या होता है, ओके, तो उम्मीद करूँगा आज की इस वीडियो में आपको टंग के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट रोल होते हैं समझ में आए होंगे, तो उम्मीद करूँगा आपको जो भी मैंने फैक्ट बताए, थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें बताई वो आपको शायद कभी नहीं पता होगी, तो भी पता होगी, तो भी फिलहाल वीडियो ख़त्म करते हैं क्योंकि टंग हमारी हो गई, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, अपना डाइजेशन सिस्टम पढ़ेंगे, यानी कि अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, और अपन तीत के भी बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि तीत क्या करते हैं, जो भी निवाला तो उसको पीसते हैं, काटते हैं, चीरफाड़ करते हैं, उसको चबाते हैं, पीसते हैं, तो वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्या काम करते हैं, कितने होते हैं अपर जो में, कितने होते हैं लोअर जो में होते हैं, ओके, तो उम्मीद करूंगा आज के इस वीडियो में आपको दी माउथ कैविटी, यानी कि जो अपना माउथ है उसके जो भी जो टंग है उसके बारे में इम्पोर्टेंट रोल प्ले समझ में आएंगे, ओके, मेरे दोस्तों इसी के साथ कुछ कहना चाहूँगा कि माता पिता बहनें बहनाओं और माताओं और बच्चों बड़े बच्चों छोटे बच्चों और अपने से बड़े बुजुर्गों का सबका सम्मान करना, अन्नदाताओं का सम्मान करना, सैनिकों का सम्मान करना, राष्ट्र हित के लिए अपनी जान लुटा देना मेरे दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद जय भारत, इसी के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में विद डायग्राम, और हाँ उस वीडियो को जरूर देखना, थैंक यू वेरी मच, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।